गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चले टेंस एक्सरसाइज में हम आगे बढ़ते हैं। विशेष तो रोज रहता है, रोज कुछ नई चीजें आपको सीखने मिलेगी, आप रेगुलर अभ्यास करो। अब हम इसमें क्या लगाते हैं, वह सदैव नहीं निगेटिव बनाने जा रहे, तो इसका है निगेटिव तो बनेगा नहीं, अगर इसका निगेटिव बनेगा तो उल्टा लेना पड़ेगा। वह सदैव नहीं दुखी रहती है, ठीक ना, दुखी रहती है, ये सेंटेंस हुआ, ठीक। या तो आप सब्जेक्ट चेंज कर दो तब ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि यहां हम अपोजिट ले रहे हैं, सेम सेंटेंस का अपोजिट ले रहे हैं, ठीक। हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट चेंज करके बनाते हैं तो आपको समझने में आसानी रहे, ठीक ना। नाउ ले लेते हैं, रीता, रीता सदैव प्रसन्न रहती है। चलिए तो इसमें आपको ज्यादा आसानी रहेगी समझना, रीता सदैव प्रसन्न रहती है। अब इसका अगर हम निगेटिव ले सेंटेंस का सब्जेक्ट चेंज कर तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। रीता भैया और सीता दो सहेलियां हैं या गीता, रीता का स्वभाव है, नेचुरल क्वालिटी है सदैव हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, प्रसन्न रहना। अब यहां पर मैं लिख देता हूं गीता, गीता सदैव नहीं प्रसन्न रहती है। आप देखिए, मैं सब्जेक्ट इसलिए नाउन लिया, कुछ खास कारण है उसका, प्रोनाउन में आप कंफ्यूज हो जाओगे या वह लिख करके करोगे तो संडे से ही दूसरा बनाना पड़ेगा। अब यहां प्रेडिकेट पार्ट हम सेम रखे हैं, प्रेडिकेट पार्ट क्या रखे हैं, देखिए ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका प्रेडिकेट है, देख रहे हैं ना, ये सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को मैंने निगेटिव कर दिया, ठीक ना। प्रेडिकेट पार्ट यहां का पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है और यहां का निगेटिव है, ओके हो गया। अब आप ट्रांसलेशन क्या करोगे, तो जितना आप जानते हैं उतना ही करोगे, तो मैं कर देता हूं। जैसा कि आप करेंगे, गीता इज क्या,
आप करोगे ऑलवेज नॉट, क्या करोगे? गीता इज ऑलवेज नॉट हैप्पी, आप यही करोगे, ठीक है? लिख लो उसको, आप यही करेंगे, ठीक। तो ये आपका सेंटेंस हो गया राम, क्या हो गया? राम। इसका क्या मतलब है? रीता सदैव प्रसन्न रहती है का मतलब फॉरएवर, पीरियड ऑफ टाइम, मतलब वो लगा है क्या जी, एडवर्ब ऑफ टाइम। यहां का ऑलवेज क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। इसका मतलब 24 आवर्स वो प्रसन्न रहती है। अब इसमें अगर आप छूट गया है लिखते समय इसको सुधार दीजिए। हाँ चलिए सुधार दीजिए। अगर आप ऑलवेज नॉट का प्रयोग आप करते हो, इसका मतलब कि एवर ऑफ टाइम में आपने नॉट लगा दिया। तो अब क्या है भैया, एडवर्ब ऑफ टाइम पे जब आप नाक लगा दोगे तो यहाँ तो 24, रीता क्या है 24 आवर्स खुश रहती है, अब तुमने गीता को कह दिया कि वो 24 आवर्स ना खुश रहती है। भाई नॉट हैप्पी का क्या मतलब? अनहैप्पी, इसका मतलब कभी खुश नहीं रहती है। तो देखो रीता सदैव नहीं प्रसन्न रहती है, यानी 24 घंटा प्रसन्न नहीं रहती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब कभी कभी प्रसन्न होती है। तो यहां का जो ऑलवेज है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आपने यहां क्या लगा दिया? एडवर्ब ऑफ टाइम लगा दिया। क्या लगा दिया? एडवर्ब ऑफ टाइम लगा दिया। तो एडवर्ब ऑफ टाइम लगाने के कारण वो गलत हो गया। ऐसा तो है ना कि 24 घंटे वो ना खुश ही रहेगी और प्रसन्न नहीं रहेगी, ऐसा नहीं हो सकता। भाव बदल गया। इसका मतलब यहां जो ट्रांसलेशन होना चाहिए क्या होना चाहिए? गीता इज एवर नॉट हैप्पी, गीता सदैव नहीं प्रसन्न रहती है, अर्थात कभी कभी रहती है। तो यहां एडवर्ब ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है, देखो फ्रीक्वेंसी आ रही है, इसका मतलब ये जो सेंटेंस है आपका सेमी निगेटिव है। क्या है? सेमी निगेटिव सेंटेंस बना, क्योंकि यह सेमी निगेटिव, ठीक है ना, सेमी निगेटिव वर्ड है, सेमी निगेटिव वर्ड है, ठीक। अगर इसे आप फुल निगेटिव वर्ड लगा करके चेंज करोगे तो फुल निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। कैसे? गीता कभी नहीं, गीता कभी नहीं प्रसन्न रहती है। इसका मतलब जो बात आप यहां कह रहे थे, कहना चाह रहे थे कि वह सदैव प्रसन्न नहीं रहती है, अर्थात सदैव अप्रसन्न रहती है, अनहैप्पी रहती है। तो वह नॉट हैप्पी का मतलब अनहैप्पी, वह बात यहां है। यहां आप फुल निगेटिव ऑलवेज नॉट लगा करके फुल निगेटिव सेंटेंस बनाना चाह रहे थे, जो गलत है। भाव क्या था? सदैव नहीं प्रसन्न रहती है, अर्थात कभी कभार प्रसन्न रहती है।
ठीक है ना। अगर इस भाव को व्यक्त करना है कि 24 घंटा वह खुश नहीं रहती है, तो आप आगे नाट क्यों लगा रहे हो, सदैव नहीं क्यों लगा रहे हो, आप क्या लगा दो, कभी नहीं लगा दो, 24 घंटे का बोध कराएगा यानी फुल नेगेटिव हो जाएगा। तो 24 घंटे का बोध हो गया, 24 घंटे का हो गया तो क्या हो गया भैया, क्या गीता इज नेवर का प्रयोग कर दो, किसका प्रयोग कर दो, नेवर का, ठीक ना, नाट धन एवर, इसको उलट दो, देखो एवर धन नाट सेमी निगेटिव वर्ड और नाट प्लस एवर इज इक्वल टू, उल्टा कर दो, नाट प्लस एवर इज इक्वल टू नेवर, ठीक ना। तो गीता इज नेवर हैप्पी, तो ये जो है आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक ना। तो यह चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑलवेज इसका मतलब यह हुआ कि ऑलवेज, देखो ऑलवेज यहां टाइम है 24 घंटे को बता रहा है, इसमें आप 24 घंटा करके गलती कर बैठ रहे हो, 24 घंटा वो प्रसन्न नहीं रहेगी, कभी तो खुश होगी ही, एवर नाट का प्रयोग करोगे। और यहां 24 घंटा को अगर बताना है तो आप सीधे सीधे सदैव नहीं मत लिखो, सीधा सीधा कभी नहीं लिख दो, सेंटेंस सही हो जाएगा। तो हमारे ख्याल से मजा आ गया होगा। तो देखिए छोटे छोटे में क्लास लूंगा, एक एक पॉइंट को, एक क्लास में खास क्या पॉइंट रहेगा, ठीक ना। और एक ही में कई अगर हम ले लेंगे तो आप हो जाओगे कंफ्यूज, छोटे छोटे क्लास में मजा आएगा पढ़ने में। तो अगले क्लास तक के लिए एक आज ही, टाटा बाय बाय, थैंक यू।